हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपेरेटिव बाय यशपालन। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा सो लेट्स स्टार्ट इट। बेटा तो फर्स्ट बेसिक कंडीशंस हैं, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बेटा, जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा? कॉस एक्स। फिर आप डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? माइनस साइन ऑफ एक्स। फिर आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा टेन ऑफ एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? सेक एक्स टेन एक्स। और उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस कोसेक ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है बेटा? जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है, और मैं आपसे कहता हूँ बेटा फाइंड डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। आपको फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स वाई आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, तो दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है बेटा साइन इनवर्स एक्स के लिए। क्लियर है बेटा? तो ये जो कंडीशन है वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसको वेरीफाई करके लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा बेटा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई किसके इक्वल है बेटा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स का डिफरेंस चलिए पहले यहाँ पे करते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? कॉस वाई। और उसके बाद अब डिफरेंशिएशन किया जाएगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है बेटा? वन। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना लाएगा बेटा? वन। अब इस कंडीशन को अगर आप देखें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा? वन अपॉन कॉस वाई के। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो ये अगर कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, आप उसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस साइन वाई होल स्क्वायर। तो आप इसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं वन माइनस साइन, अब बेटा ये जो y है आपके पास, y किसके इक्वल है? y किसके इक्वल है स्टार्टिंग में? साइन इनवर्स x के इक्वल है बच्चे। तो हम y को रिप्लेस करते हैं बेटा, ये मॉडिफाई करते हैं साइन इनवर्स x के साथ होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा? वन माइनस, ये बेटा आपके पास इनवर्स फंक्शन है और ये डायरेक्ट फंक्शन है, तो आपके पास इनवर्स और डायरेक्ट करके आपके पास वैल्यू जो रहेगा वो एक्स स्क्वायर रहेगा। तो आपने जो फाइंड आउट किया बेटा, आप डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये जो वाई है बच्चे, वाई किसके इक्वल है? वाई यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है बेटा। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा? वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं बच्चे आपके पास, डी अपॉन डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है बेटा, वन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर ही है। साइन और कॉज का डेरिवेटिव सेम है बेटा, सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है बेटा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है बेटा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है बेटा माइनस का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, साइन और कॉस का डेरिवेटिव एक जैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, टेन और कॉट का डेरिवेटिव एक जैसा है बेटा, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फर्क है, डिफरेंस है। नेक्स्ट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है बेटा, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये मॉडुलस ऑफ एक्स के साथ लिया जाता है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है बेटा, माइनस वन अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा। तो ये बेटा, ये थ्री डिफरेंट फार्मूलाज हैं टाइप के, साइन और कॉस का फार्मूला सेम है, टेन और कॉट का फार्मूला सेम है, सेक और कोसेक का फार्मूला सेम है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन का डिफरेंस है बेटा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले कॉज इनवर्स से देखते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, फाइंड डी वाई अपॉन डी एफ एक्स, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, हमारे पास अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये कॉज इनवर्स का केस है, तो आपको डायरेक्ट फंक्शन अगर आप देखें तो कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, आपके पास ऐसा ही एक फार्मूला है जिसको हम लिखते हैं वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, लिखते हैं बच्चे। तो अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, तो वाई किसके इक्वल है बेटा, कॉज इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा एंड वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो अगर आप इसको मॉडिफाई करें बच्चे, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉज इनवर्स, दिस इज कॉज टू थीटा, ये जो पूरी कंडीशन है बेटा ये कॉज टू थीटा का केस है, ये कॉज टू थीटा का केस आ गया बच्चे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, कॉस टू थीटा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये बच्चे डायरेक्ट है, ये इनवर्स फंक्शन है, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गया बेटा, टू थीटा के, ठीक है। अब अगर इसी स्टेप को हम देखें तो यहाँ पे एक्स अगर टेन थीटा के इक्वल है बेटा, तो मैं थीटा को टेन इनवर्स एक्स से अपग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स वाई किसके इक्वल आ गया बेटा, टू टेन इनवर्स एक्स, आपको फाइंड आउट करना, फाइंड डी वाई अपॉन डी एफ एक्स। अब आप लोग कर लीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एफ एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा, डिवाइस ऑफ डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने किया, तो किसके इक्वल है बेटा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो आप लोग इसको लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज टू अपॉन वन प्लस
एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है बेटा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे और क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिए बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।